सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। की हाल चाल ने सारे? ठीक ठाक हो गए? अज आप जो सौग देते रिएक्शन वीडियो लेके आए, कुछ ना जी का सौग आया ब्लोइंग अप, तो देखते दे की गलबात करते हैं। ब्लोइंग का तो उड़ान सौग का नाम आ, हिंदी के उड़ान कहे इनू। तो ये सौग मैं लगता मोटिवेशनल होगा, क्योंकि इन्होंने मैं पहलों भी जो सौग एक सुनिया वो बहुत इन्हें मोटिवेशनल गल्तिया से। यह भी सौग देखते हैं किदा का वा, तो इनू सौग में प्यार जोड़ दो। तो मैंने लगता मैं इस सौग के उत्ते सब तो लेट रिएक्शन देन लगा, सारे के रिएक्शन आ ही चुके हैं, जिन्हें के रिएक्शन करते हैं वीर, तो मैं रिएक्शन कर लगा। तो मैं उदा का सुनया ही माड़ा जहा सौग, बाद मैं पता नहीं क्यों नहीं रिएक्शन दिता, तो मैं सोचा अच्छ आप रिएक्शन देिए। वीडियो शुरू तो लैके एंड तक जरूर देखो। जो तुम मेरा हाले तक चैनल नहीं सबसक्राइब किया कर दो यार, जल्दी जल्दी 25,000 सबसक्राइबर कंप्लीट कर दो। तो चलो फिर आप चलते वीडियो, बाकी गल आप बात करेंगे, पहले देखा सौग। इनका सॉन्ग ना बड़े स्पीड में होते हैं, थोड़ी लिरिक्स समझने बड़े मुश्किल होते हैं मुझे। इनकी लिरिक्स बहुत मतलब बहुत डीपली जाके सुनने पड़ते हैं तब पता चलता है, इसलिए थोड़ा रोक रोक के रिएक्शन करूँगा मैं इस पर, और पूरा रिएक्शन देखना मज़ा आएगा। भार करे पार तेरे रीच के साथिया खिलाफ करते बात ना हम बीच में बने ये नवाब जो गवारों गलीच से एल्बम इनकी बिकिनी है 900 के बीच में सीधा सीधा। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को रिप्लाई कर रहे हैं इस गाने में, मतलब किसी के बारे में टारगेट करके बात कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया, ऐसा नहीं हुआ, व्यूज़ नहीं आए, फ्लॉप हुए, वही चीज़ किया, मेरे को वो हेट कर रहे हैं, ये चीज़ बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि वही बात मैं कह रहा हूँ कि इनकी बहुत डीपली जाके सुनना पड़ता है। कई सॉन्ग होते हैं कि सुनने की एक बारी सुनने से समझ आ जाते हैं। अब मैंने ये सॉन्ग नहीं सुना अभी तक, अब बहुत गौर से मुझे ये सॉन्ग सुनना पड़ रहा है। अपने दोस्त रखू क्लोज तू ना गैंग गैंग एट फिगर से भी ट्रिगर फिंगर मेरी बेचैन लेवल मेरा भार करे पार तेरे रीच के साथिया खिलाफ करते बात ना हम बीच में बने ये नवाब जो गवारों गलीच से एल्बम इनकी बिकिनी है 900 के बीच में सीधा सीधा मैंने बोला सच पीले तोला 10 फिर भी नहीं होगा बस इस गेम में तू जोक बेटा हंस थोड़ा सीमा मनी का मिलोंग तेरा हंस बुला रास्ते हैं देखे मैंने फासले हैं देखे मैंने बहुत से हैं देखे मैंने यूं कभी पास तो ना थे ये मेरे खास तो ना थे ये मेरे वास्ते हैं तेरे मेरे क्यों कैसे इनके तरीके बने बकरी ये बली के सारे कटे हैं गली में मैंने रटे हैं तरीके क्या बात है खाली ये अंदर से खाली पतीले नवाबी इनकी हटे ना घटे ना इनकी फटी में देखे फर्जी पूरा मतलब किसी को टारगेट करके गाना गाया जा रहा है, पूरा टारगेट करके किसी को, मतलब उसको रिप्लाई दिया जाए। इसमें ये नहीं है कि मतलब टारगेट करके, ये आप बताना है कि किनको टारगेट गाना किया गया, मुझे यही लग रहा है। बाकी ये नहीं मैं कह रहा कि जरूरी किसी को किया ही हो, मगर किसी को टारगेट जरूरी है सॉन्ग किया गया है। जैसे बातें की जा रही हैं वैसे टारगेट है, ये आप बताना टारगेट कौन है, मुझे ये नहीं पता इसका मतलब। सॉन्ग में बातें बहुत डीपली हैं। सारी इनकी गलती जब वो मेरी मर्जी है फाड़ी इनकी पर्ची देखे मुझे हेटर देते गाली एंड दे कर्स मी जब आगे लगा लागो ओनली टाइम आई वांट मर्सी मैं हूँ वो जिसने बात नहीं मानी मैं हूँ वो जिसने कभी हार नहीं मानी मैं हूँ वो जिसकी सुनते बाद में कहानी मैं हूँ वो जिसको तुम याद करो जानी मैं हूँ वो मेरे पास नहीं है वक्त ना बातें करने को आई डोंट लाइक टू टॉक दैट मच गोइंग अप नीचे आऊंगा नहीं अब जो बोलते थे ज्यादा उनकी बोलती है बंद ब्लोइंग अप मेरे पास नहीं है वक्त
बचे आऊंगा नहीं अब, जो बोलते थे ज्यादा उनकी बोलती है बंद। बोले वो कह रहा है मेरे पास अब बातें करने का टाइम नहीं है, जो मेरे लिए बोलते थे उनकी बोलती बंद है, मेरा काम देख के, मेरी मतलब एक मशहूरी देख के उनकी बोलती बंद हो चुकी है। ये वही है ना, किसी को बात करके टारगेट करके बात का रिप्लाई दे रहे हैं, किसी ने इनको बुरा बोला है तो उसका रिप्लाई ये कर रहे हैं। मुझे यही महसूस हो रहा है कि अब मेरे पास टाइम नहीं है तुम लोगों की बातों का, मैं गुस्सा करूं या महसूस करूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप मेहनत करो, किसी की मत सुनो, अपनी मेहनत पे जारी रखो, किसी ना किसी दिन आप मुकाम पे पहुंच जाओगे। बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। बोले ऑल दैट, उठाता नहीं मैं फोन और मैं करता नहीं हूँ कॉल बैक, बनना चाहते मेरे दोस्त कर तू फॉल बैक, हिट करे शिफ्ट व्हेन दे रैप कॉज इट्स ऑल कैप, मुझसे पड़े फीके नंबर इनके नीचे जा रहे, कोई सेंस नहीं बना रहे लगा पी के आ रहे, रोजगार दे रहा इनको लगे जी के आ रहे, इनके हार्डेस्ट बार्स हैं वो जो मेरे वीकेस्ट वाले, नो पीस मोड बॉडी आई एम ऑन डीमन टाइम, ये तो खुद गोलीबाज दे रहा हूं नीड अ नाइन, देखे इन्हें सक्सेस दे रहा हूं सी द ग्राइंड, अगर करे टेस्ट मैं तैयार आ रहा हूं नीड अ साइन, ब्लोइंग अप करूं स्टॉप नहीं, इनको लगा मुझ पे लेंगे शॉट लगे लॉटरी, पर सारे हुए फ्लॉप टूंडे जॉब लगा नौकरी, लीव यू क्रॉस्ड आउट जैसे मारे बैठे चौकड़ी, चाहिए इन्हें बीफ तो फिर बीफ लो, अगर चाहिए तुझे पीस देन जस्ट कीप लो, पर आई हर्ड दैट योर गर्ल इज अ फ्रीक तो रोज लंडन पे करे लैंड जैसे हीथ्रो, नाउ कृष्ण अगेन बेबी यू माइट कैच अ वेव जैसे नेवी, Gucci, are you single? I said maybe. You can holla when you pull up to my AB. Come on, party belly, a band, Prada ki penny, a tu. इस गाने के लिए मुझे सर्च करना पड़ेगा, जो इसकी मतलब लिरिक्स है ना बहुत ज़्यादा डीपली है यार। मतलब किसी को बातों का जवाब देना हो तो ऐसे बातों का जवाब दो, पहले अपनी मेहनत करो, ज़िंदगी में अपना एक मुकाम सेट करो, फिर बातों से जवाब दो कि मैंने ऐसा करके दिखाया, तुम लोग ऐसे बोलते थे, मैंने ये किया। वही चीज़ वो कर रहे हैं, उन्होंने अपना टारगेट सेट किया, पहले अपना मतलब लेवल बनाया, फिर बातों का रिप्लाई किया। ये लोग ऐसे कहते थे मुझे, मैंने ऐसा नहीं ऐसा किया, ऐसा कहते थे ऐसा कर दिया, मतलब वो चीज़ों का अपने काम से जवाब दे रहे हैं, बातों से जवाब नहीं खाली दे रहे, काम से जवाब दे रहे हैं। इसे कहते हैं मेहनत सक्सेस। पहले से पुसी मैंने पहले पेला था पहली में, लगे चली ये फटी पड़ी तो पहली है, पहले पीता हूँ पैरी और पानी की जगह पैरी है, वे आई डिड दैट स्कीम यू कैन टेल आई एम पुशिंग पी, कीप पुशिंग मी अगर चाहिए दुश्मनी, करने लगा हसल आज तक है रुकी नहीं, अगर बजट होगा बड़ा ओनली विद ए बुक इन मी, ब्लोइंग अप मेरे पास नहीं है वक्त ना, बातें करने को आई डोंट लाइक टू टॉक दैट मच, गोइंग अप नीचे आऊंगा नहीं अब, जो बोलते थे ज्यादा उनकी बोलती है बंद, ब्लोइंग अप मेरे पास नहीं है वक्त ना, क्या बात। हाँ जी, ये सीगा जी सॉन्ग कृष्णा जी का, बहुत एक घेंट सॉन्ग सी। देखो मैं फिर वही गल कहूँगा, जवाब देना तो अपने कम्मा दे नाल दो, अपनी गल्लां दे नाल नहीं। उन्हें मेहनत की जिंदगी जो तुम भी मेहनत करो। देखो सॉन्ग हम क्यों सुनते हैं, एक कामयाबी वाला सॉन्ग हम क्यों सुनते हैं, इसीलिए सुनते हैं ना कि उनकी कुछ मोटिवेशनल बातें सुन के कि उन्होंने मेहनत कैसे की, क्या किया, क्या क्या बातें हुई। अब किसी की लाइफ से हम क्या सीखना करते हैं, मूवी देखने जाते हैं उसमें से हम क्या सीखते हैं, कुछ अच्छी बातें सीखते हैं ना। किसी बंदे ने मेहनत की, कोई गरीब था उसने मेहनत की अमीर हो गया, कैसे हुआ उसने इतनी मेहनत की, यही चीज़ सीखते ना। वही चीज़ सेम सॉन्ग में भी होती है, हर सॉन्ग में कोई ना कोई मैसेज जरूर होता है। वही बात कृष्णा जी की है कि इन्होंने पहले मेहनत की, अब उस चीज़ का रिप्लाई कर रहे हैं। अब किसको कर रहे हैं वो तो मुझे नहीं पता, मगर जिसको भी कर रहे हैं एक मुकाम हासिल करके फिर रिप्लाई कर रहे हैं। ये नहीं कि अपना मुकाम है नहीं कोई रिप्लाई करे जा रहे, नहीं, उन्होंने मुकाम बनाया है, पहले अपना एक स्टैंडर्ड बनाया फिर रिप्लाई किया। ऐसे ही आप लोग मेहनत करो ज़िंदगी में, एक मुकाम हासिल करो फिर आप किसी को रिप्लाई करो। बहुत एक बेस्ट सॉन्ग लगा, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट सॉन्ग में। आपको ये रिएक्शन बड़ा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट कर देना। वैसे मेरे रिएक्शन पंजाबी होते हैं, मैं हिंदी बीच में बोलने लग जाता हूँ, कभी पंजाबी बोलने लगता हूँ, मुझे अब मिक्स करने पड़ गए हैं, पता नहीं मैं मिक्सिंग कर जाता हूँ हर चीज़ की आजकल। चलो जो भी है, आप लोगों को पसंद आता है तो सब चलता है यार, आपकी पसंद मेरी पसंद है, बस आप लोग प्यार करते रहो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। आज 23,000 सब्सक्राइबर हो गए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्यार दिया। बस जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करते रहो चैनल, जो नहीं किया तो कर दो यार, लाल वाली जो बेल सब्सक्राइब का है उसको दबा दो बस। और जो इंस्टाग्राम पे मेरे से बात करना चाहते हो तो इस पे मैसेज कर सकते हो, आपको किसी भी चीज़ की मतलब हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता देना, आपका भाई हाजिर है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल, बाय बाय।